प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा के दो दिन बाद ही बीजेपी के नंबर दो स्टार प्रचारक अमित शाह ने पांडेश्वर आकर जितेंद्र तिवारी के लिए की सभा, जिताने की अपील की। बहुमत के साथ जिताएंगे। अमित शाह ने ममता बनर्जी और उसकी सरकार पर रखा अपनी शैली में हमला। आसनसोल दुर्गापुर में कोरोना विस्फोट, एक दिन में आए रिकॉर्ड 520 मामले, वकीलों ने आसनसोल जिला कोर्ट किया काम बंद। बहुमत के साथ जिताएंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। देखो माताओं बहनों, बटन तो कमल के निशान पर पांडेश्वर में दबाइए आप, मगर इतने गुस्से के साथ दबाइए कि बटन पांडेश्वर में दब दे और करण दीदी को कलकत्ते में लगे। दबाएंगे क्या? दबाएंगे। शनिवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसनसोल दुर्गापुर की 9 सीटों के बीजेपी उम्मीदवारों के लिए निगाह में एक मेगा रैली कर गए थे। इस रैली में पार्टी के सभी 9 उम्मीदवार मौजूद थे, लेकिन दो दिन बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के नंबर दो स्टार प्रचारक अमित शाह पांडेश्वर में आधम के। किस लिए? तो इस सवाल का जवाब है पांडेश्वर के बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी। दरअसल आसनसोल दुर्गापुर की 9 सीटों में से सबसे ज्यादा जो सीट लोगों का ध्यान खींच रही है वो है आसनसोल उत्तर, जहां से तृणमूल के दिग्गज नेता और मंत्री मलय घटक और कभी उनके शागिर्द रहे, लेकिन अब बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी के बीच सीधी लड़ाई लड़ी जा रही है। आसनसोल उत्तर के बाद जितेंद्र तिवारी की वजह से पांडेश्वर सीट भी हॉट केक बन गई है। उनके लिए अमित शाह का सभा करने आना ये दर्शाता है कि तिवारी बीजेपी के लिए कितने महत्व रखते हैं और उनका जीतना भी पार्टी के लिए कितना जरूरी हो गया है। शाह ने सभा में आए लोगों से जितेंद्र तिवारी को जिताने के लिए भी कहा। अरे बहुमत के साथ जिताएंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। देखो माताओं बहनों, बटन तो कमल के निशान पर पांडेश्वर में दबाइए आप, मगर इतने गुस्से के साथ दबाइए कि बटन पांडेश्वर में दब दे और करण दीदी को कलकत्ते में लगे। दबाएंगे क्या? दबाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे पूरा। अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए जब भी बंगाल आते हैं तो तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अपनी आक्रामक शैली में हमला करते हैं, जो पांडेश्वर में भी दिखाई दिया। ये ना समरूप, आए दिन बम धमाके, आए दिन गोलियां चलना, आए दिन हिंसा करना। हमारे भारतीय जनता पार्टी के 130 कार्यकर्ताओं की हत्या एक तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने करी है, और एक मौज मस्ती कि हमें कुछ नहीं होना है। अरे भाई, कितने दिन खैर मनाऊं? मैं आपको बताना चाहता हूं, दिन खत्म हो गए आपके। 2 मई के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले एक एक तृणमूल के गुंडे को चून चून कर जेल की सलाखों के पीछे। मित्रों, आप सभी लोग हमेशा वोट डालने जाते हो तो दीदी के गुंडे परेशान करते हैं ना, करते या नहीं करते? माताएं बहने बताइए, करते या नहीं करते? मैं आपको बताता हूं, इस बार भरोसा करना। मैं कहता हूं, दीदी का गुंडा आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। बाल 22 तारीख को मतदान मथक पर जाकर कमल के निशान पर बटन दबाइए और सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए मोदी जी को बंगाल का सुकान दीजिए। मित्रों, आपने कई साल तक कांग्रेस को शासन दिया, 30 साल तक कम्युनिस्टों को दिया, 10 साल तक ममता दीदी को भी दिया। बंगाल का विकास हुआ है क्या?
हुआ है क्या? हुआ है क्या? एक पांच साल नरेंद्र मोदी के हाथ में बंगाल दे दो, पांच साल में हम सोना और बांग्ला बनाकर आपके सामने आए। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार में भ्रष्टाचार के साथ ही अभिषेक बनर्जी को लेकर भी हमला किया। चावल भेजा वो भी खा गए और आपके गुंडे मानते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। 2 मई को हमारी सरकार बनने के बाद एक एक व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, भ्रष्टाचार ये बंगाल को दीमक की तरह खा रहा है। ये भ्रष्टाचार का उन्मूलन, भ्रष्टाचार को हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी के अलावे कोई नहीं। दीदी के पूरा ध्यान, दीदी का पूरा ध्यान, कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बने, कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बने, कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री, उनका ध्यान बंगाल के लोगों में नहीं है, भतीजा कल्याण में है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी ने बंगाल के किसानों के लिए Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल शिल्पांचल के बारावनी विधानसभा क्षेत्र से हैट्रिक लगाने के लिए चुनाव लड़ रहे विधान उपाध्याय के लिए पहली बार किसी स्टार प्रचारक ने सोमवार को रोड शो किया। वीरभूम की तृणमूल सांसद और अभिनेत्री शताब्दी राय ने सोमवार को सलानपुर ब्लॉक के जीतपुर से लेकर कुसुम कनाली तक विधान उपाध्याय को लेकर प्रचार किया। इस रोड शो के दौरान शताब्दी राय एक वाहन पर सवार थी, उनके साथ विधान भी थे। वाहन के आगे पीछे बड़ी संख्या में तृणमूल कार्यकर्ता और समर्थक हाथों में पार्टी के झंडे, पोस्टर और बैलून लिए हुए थे। यह रोड शो जहां जहां से गुजरा, लोगों ने दोनों नेताओं का अपने तरीके से स्वागत किया। इस मौके पर शताब्दी राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधान उपाध्याय जरूर तीसरी बार जीतेंगे। तो उच्छास मानुष ভালোবাসা, विधान उपाध्याय दुबार जीते छिलो, এবারেও জিতবে 100% কনফার্ম। শীতলকুচির ঘটনা প্রেক্ষিতে কিছু বলবেন? এক ভীষণই দুঃখজনক, এবং সেই নিয়ে যে নেতারা বলছে যে আরো হওয়া উচিত, সব জায়গায় হবে, চারজন কেন, আটজনের মৃত্যু, তাদেরকে আমি বর্বর মনে করি, ভদ্রলোক লোক মানুষ মনে করি না। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 5 चरणों का मतदान हो चुका है। इन चरणों के मतदान में दिखाई दिया है कि कैसी हिंसा हुई है, मतदाताओं को वोट देने से रोकने की कोशिश की गई है। इस सारी वजहों से चुनाव आयोग और सख्त हो गया है और 6ठे एवं 7वें चरण के तहत जहां चुनाव होंगे वहां के आला पुलिस अधिकारियों को बदल दिया गया है। मसलन आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त सुकेश कुमार जैन का ट्रांसफर कर दिया गया है, उसकी जगह पर नए पुलिस आयुक्त के तौर पर मितेश जैन को लाया गया है। संभवतः चुनाव आयोग ने पुलिस अधिकारियों को चुनाव के दौरान सख्ती और कड़ा रुख अपनाने के लिए ही यह अदला बदली की है। बहरहाल ज्यादा दिन नहीं हुआ जब पश्चिम बर्धवान के जिला अधिकारी पूर्णेंदु माझी का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। उनकी जगह पर अनुराग श्रीवास्तव को जिलाधिकारी बनाया गया था। इस तरह से पश्चिम बर्धवान जिले दोनों प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ मतदान होने के पहले बदला जा चुका है। सुकेश कुमार जैन के साथ ही पूर्व बर्धवान के SP भास्कर मुखर्जी का भी ट्रांसफर कर दिया गया है, उसकी जगह अजीत कुमार सिंह को लाया गया है। उसी तरह से वीरभूम के SP और SDPO का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है, तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस। गॉन कॉटन सूट एंड सिफोन सूट पीस, फ्रॉक सूट के आकर्षक रेट, छोटी छोटी बच्चियों के भी स्टाइलिश सूट सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शंस। और पुरुषों के लिए सियाराम के एक्सक्लूसिव शोरूम में ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड ड्रेसों का विशाल संभार। जब सब कुछ हो एक ही छत के नीचे तो कहीं और क्यों जाना, आज ही आना श्री बालाजी फैशन
अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल जीटी रोड आसनसोल। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आएं मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली समीरन राय रोड गुरुद्वारा के करीब आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। पूरे देश के साथ पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने स्कूलों कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। हालांकि यह छुट्टी गर्मी की छुट्टी के तौर पर मान्य होगी। 20 अप्रैल यानी मंगलवार से बंगाल के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, निजी शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। छात्र स्कूल में तो नहीं जाएंगे, इस बार शिक्षकों और अन्य स्टाफ को भी छुट्टी पर रहने के लिए कहा गया है। स्कूल कॉलेज 15 मई तक बंद रहेंगे, उसके बाद का फैसला कोरोना संकट स्थिति की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले साल 25 मार्च को लॉकडाउन लगने के बाद से पूरे देश के साथ बंगाल में भी सभी शिक्षण संस्थान बंद रहे थे। अक्टूबर के बाद स्थिति सुधरने को देखते हुए धीरे धीरे स्कूल कॉलेज खुले थे। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. जैसे जैसे दिन बीत रहा है, कोरोना और कहर बनकर पूरे देश में टूट रहा, अपने बंगाल प्रदेश में भी कोरोना कहर बरपा रहा है तो अपने पश्चिम बर्धमान जिले में भी कोरोना विकराल रूप ले रहा है। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो यह जान लीजिए कि आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल यानी पश्चिम बर्धमान जिले में एक दिन में अब तक रिकॉर्ड 520 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। सोमवार की शाम जारी की गई सरकारी रिपोर्ट में यह बताया गया है। इस तरह से जिले में कुल मरीजों की संख्या 21,000 हो गई है। हालांकि इनमें से 17,977 मरीज ठीक हो चुके हैं। पश्चिम बर्धमान जिले में अब तक कोरोना से 180 मरीजों की मौत हो चुकी है। यह सरकारी आंकड़ा है, गैर सरकारी मौत का आंकड़ा कितना है या कोई नहीं जानता। जहां तक बंगाल की बात है तो ताजा रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में रिकॉर्ड 8,426 नए मामले मिले हैं और 38 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक 10,000 से अधिक लोगों की जान कोरोना ले चुका है। आसनसोल शिल्पांचल में भारत के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एलजी ने एक और शोरूम ओपन किया है। आसनसोल के भांगापाची इलाके में जीटी रोड के साइड में ही बेस्ट शॉप के नाम से एलजी का एक्सक्लूसिव शोरूम का शनिवार को उद्घाटन किया गया। यह शोरूम मास मार्केटिंग रिटेल चैन के तहत खोला गया है। बेस्ट शॉप का उद्घाटन एलजी के रीजनल सेल्स कोऑर्डिनेटर प्रीतम मुकेश, रीजनल मार्केटिंग मैनेजर रॉबिन मित्तल और मास मार्केटिंग के मालिक मनोज नंदी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया।
बेस्ट शॉप के उद्घाटन के क्रम में सभी ने एक एक दीप भी प्रज्वलित किया। इस मौके पर मास मार्केटिंग के तरफ से एलजी के रीजनल सेल्स कोऑर्डिनेटर प्रीतम मुकेश और रीजनल मार्केटिंग मैनेजर रॉबिन मित्तल को उत्तरीय पहनाकर सम्मानित भी किया गया। वहीं कंपनी के तरफ से भी शॉप के ऑनर मनोज नंदी को उपहार प्रदान किया गया। कंपनी के रीजनल सेल्स कोऑर्डिनेटर प्रीतम मुकेश ने कहा कि बेस्ट शॉप एक ऐसा एक्सक्लूसिव शोरूम है जहां एलजी के वे सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो दूसरे जगहों पर नहीं मिलेंगे। एलजी शॉपिंग ब्रांड स्टोर ऑफ एलजी राइट, पूरे इंडिया में हमारे पास ना 800 से ज्यादा है, मोर देन 800, एंड द मास मार्केटिंग इन आसनसोल इज द फेस ऑफ एलजी आई थिंक सो। सिंस लास्ट 20 इयर्स वी आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, ठीक है ना। इनकी एक ऑलरेडी ब्रांड शॉप है, ये हमारी सेकेंड ब्रांड शॉप है जो रिनोवेट हुई है, ठीक है ना। ही इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर हियर इन टर्म्स फॉर द एलजी सेलर। और हमारा जो ऑफर होता है ब्रांड शॉप, ठीक है, हम एक साल की इंश्योरेंस फ्री देते हैं ईच एंड एवरी प्रोडक्ट पे। हम सबसे ज़्यादा कैशबैक यहाँ पे देते हैं, ठीक है। हमारा एक एक्सपीरियंस जोन बनता है, सारे प्रीमियम प्रोडक्ट का डिस्प्ले होता है, तो जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे है वो आपको बाजार में कहीं और नहीं मिलती। जी एज अ ब्रांड इज अ मार्केट लीडर पैन इंडिया, जहाँ हमारा 70,000 करोड़ की बाजार है ना, तो हम उसको 20,000 करोड़ की धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं। वेयर एज ब्रांड शॉप डज द 4,000 करोड़, तो हम लोग लीड कर रहे हैं। वी हैव अ बास्केट ब्रांड, वी मैन्युफैक्चर एसी, वी मैन्युफैक्चर वॉशिंग मशीन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव। तो जो एक बास्केट हमारे पास है इस कंपटीशन में, वो कंपटीशन के पास नहीं है। सो वी एक्सपेक्ट, वी आर ग्रोइंग दिस कोविड पीरियड में। आज हम लोग एज ए ब्रांड जिसकी रिकॉल वैल्यू 95% है, ब्रांड इक्विटी बहुत हाई है, तो हम ज़्यादा ही ग्रो कर रहे हैं। हमारा सर्विस सिस्टम पैन इंडिया बहुत सबसे वास्ट है, सबसे वाइडर है, और वी आर द, और बैकबोन इज अ सर्विस। सो व्हाट द सर्विस वी प्रोवाइड एज अ ब्रांड, आई थिंक सो अदर ब्रांड्स अंडरस्टैंड।